नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल सेट टू हैव स्मार्ट वाटर मीटर, यानी पूरी तरह से अब तैयारी हो चुकी है वाटर मीटर लगाने की। जहां पर पहले बिजली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर पहले डिजिटल, उसके बाद उसे बदल कर स्मार्ट मीटर में बनाया गया, यानी कि उसे कन्वर्ट किया गया, तो उसके बाद लोगों के घरों में यानी कहा गया कि पूरी तरह से आपूर्ति होगी 24x7 बिजली। लोगों ने कई जगह आपत्ति भी जताई, पर उसके बावजूद भी स्मार्ट मीटर लगवाने पड़े क्योंकि प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में स्मार्ट मीटर को लगाया गया। वहीं पर लोगों ने इसे भी कहीं ना एक्सेप्ट किया, पर अब जहां पर स्मार्ट मीटर के चलते लोगों ने काफी आपत्ति जताई, अब आपके घरों में लगेंगे जाकर स्मार्ट वाटर मीटर, यानी कि जहां पर बिजली का भुगतान आपको स्मार्ट मीटर के माध्यम से करना पड़ रहा, अब आपको स्मार्ट वाटर मीटर के माध्यम से आपको अब भुगतान करना पड़ेगा कि आप जितना भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अब आपको वहां पर भी अब स्मार्ट वाटर मीटर लगेंगे कि आपने कितना जल इस्तेमाल किया उसी के अकॉर्डिंगली। यह खबर जो है आप सबके लिए चुका देने वाली खबर है। शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि जिस जल का, जिस पानी का आप इस्तेमाल करें बेफिक्री के साथ आने वाले समय में, उस पर भी हमें इस तरह से कर देना होगा। बताना चाहेंगे आपको कश्मीर, यानी कि बताना चाहेंगे स्मार्ट वाटर मीटर जो लगने की तैयारी है पूरी तरह से प्रशासन ने कर लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन उचित जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष के अंत तक यानी कि स्मार्ट जल मीटर लगाना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बताना चाहेंगे परियोजनाओं को जल शक्ति विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया गया जाएगा, जिसका पहला चरण श्रीनगर जिला से शुरू होगा, यानी सबसे पहले घाटी से शुरू किया जा रहा है। जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर विवेक कोहली ने कहा कि कश्मीर में स्मार्ट वाटर मीटर लगाने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और साथ ही साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया इसी वर्ष शुरू हो जाएगी। वहीं पर बताना चाहेंगे उन्होंने कहा कि सबसे पहले श्रीनगर के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को इसके दायरे में लाया जाएगा, उसके बाद अन्य श्रेणियों में श्रेणियों को जहाँ पर यानी एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पर उन्हें पहले सबसे पहले उन पर लाया यानी पे अमल में लाया जाएगा, उसके बाद अन्य जगहों पर। उन्होंने कहा हमने इस प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए पहले ही आधारभूत कार्य कर लिया है और प्रस्ताव तैयार कर लिया है, हमें कार्यान्वित प्रक्रिया के लिए धन मिलने की उम्मीद है, यानी कि उन्हें ये कहेंगे कि फंड्स मिलने की बस उसी के इंतज़ार कर रहे हैं। विवेक कोहली ने कहा कि जल मीटर लगाने से में समय लगेगा लेकिन शुरुआत हो चुकी है। मुख्य अभियंता यानी कि चीफ इंजीनियर ने बताया कि वे जल्द ही बिलिंग प्रक्रिया की अवधि और भुगतान के तरीके पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा ये व्यवहार्यता और अन्य कारकों के आधार पर यानी कि फिजिबिलिटी और अदर जो फैक्टर हैं उसके आधार पर मासिक या त्रिमासिक हो सकता है, यानी मंथली या फिर ये कहा उन्होंने कि क्वार्टरली हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय जम्मू और कश्मीर जल विनियम प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा, यानी वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में पानी के मीटर पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने और इसके दुरुपयोग को रोकने में मदद करेंगे। श्रीनगर में स्मार्ट वाटर मीटर लगाने की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर ली गई है, यानी अब इसकी शुरुआत जो है बताना चाहेंगे जम्मू और कश्मीर प्रशासन उचित जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसे साल के अंत तक ही घाटी में सबसे पहले स्मार्ट जल मीटर लगाने शुरू करने की पूरी तैयारी पे है। और वहीं पर बताना चाहेंगे आपको कि परियोजना को जल शक्ति विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके पहला चरण श्रीनगर से शुरू हो जाएगा, यानी कि सब तो साफ तौर पर तैयारी है ऑल सेट टू हैव यानी कि स्मार्ट वाटर मीटर, यानी पहले जहां पर स्मार्ट मीटर्स जो बिजली के बिल लगे थे उसी के आधार पर आप जितना इस्तेमाल करेंगे आप उसी तरह से आपको भुगतान करना पड़ रहा था, पर वहीं पर अगर बात करें अब आपको जितना जल आप इस्तेमाल करेंगे उसी के हिसाब से अब आपको भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि अब लगने जा रहे हैं स्मार्ट वाटर मीटर। तो हो सकता है आने वाले समय में अब आप अगर सांस लेते हैं उस पर भी आपको मीटर लगा दें, कोई पता नहीं है ये क्या क्या किस तरह के आदेश आ रहे हैं, पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि ये साफ तौर पर विभाग ने कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पानी का जो दुरुपयोग करते हैं, कई बार ऐसी शिकायतें भी हमें आती हैं। ये भी है कि जनता का भी एक कर्तव्य बनता है एक यानी कि रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते कि पानी को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, बिजली को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी कई बार हमने देखा लोगों ने घरों के बाहर
नल लगाए हैं और पानी ऐसे ही यानी कि ज़ाया होता जाता है, वही पानी अगर हम उसको संभाल कर इस्तेमाल करें या नल बंद कर दें तो किसी और के उपयोग में आएगा। और आम जनता से भी निवेदन करेंगे, जब भी कहीं आप गली सड़कों के पास से निकल रहे हो अगर पानी आ जाता है, लोग खुला रखते हैं नल ताकि पता चल जाए पानी आ रहा है, और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता नल बहता रहता है, तो आप लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते दायित्व बनता है जब आप कहीं भी खुला नल देखें तो बंद कर दें। हम सबका दायित्व है क्योंकि पानी की बूंद बूंद बड़ी ही ज़रूरी है, तो इसका इस्तेमाल भी सोच समझ कर करना चाहिए। हम लोगों को खुद भी, दूसरों के नहीं बल्कि खुद भी घर में यानी पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। और इसी के चलते आप देखते हैं गर्मी आते ही किस तरह से हाहाकार मच जाती है, और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं जो विभाग वाटर रेगुलेटरी जो है उन्होंने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि यानी कि अब जल्द ही जो डिसीजन है फिलहाल वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से होगा, पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है कि अब वाटर स्मार्ट मीटर लगेंगे और खास करके इसकी शुरुआत जो है अब घाटी में होने जा रही है, पूरी तैयारी कर ली गई है। अब शुरू होने वाला है कुछ ही देर में यानी कि ये स्मार्ट वाटर मीटर का। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।